आरटीआई का मजाक उड़ाया गया है। बता दें आपको कि आरटीआई का 50,000 पन्नों का जवाब दे डाला है। इसके साथ ही 11 बंडलों में जल निगम ने यह जवाब दिया है। बता दें आपको कि 2 साल के लंबे वक्त के बाद यह जवाब दिया गया है और सही तरीके से फिर भी सूचना नहीं दी गई है। तो नवंबर 2012 में ये सूचना मांगी गई थी, आगरा जल निगम विभाग से जवाब मांगा गया था, योजनाओं का पूरा जो बजट है उसका ब्यौरा मांगा गया था कि आगरा के लोगों की समस्याओं के लिए क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ जवाब मांगा था डीके जोशी ने। तो लगातार आगरा के लोगों की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने जवाब आगरा निगम से मांगा था और 2 साल के लंबे वक्त के बाद उन्हें 11 बंडलों का जवाब थमा दिया जाता है, 50 से 40 हजार पन्नों का जवाब थमा दिया जाता है, उसमें भी सूचना ठीक तरीके से नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर आरटीआई का मजाक उड़ाया गया है। आरटीआई जिसमें सूचना का अधिकार होता है और इस सूचना के अधिकार में मजाक के तौर पर 50 से 40 हजार पन्नों का जवाब देना अपने आप में बड़ी बात है। तो आगरा में जल निगम से 6 सवाल पूछे गए और जवाब में 40 से 50 हजार पन्नों का जवाब भेजा है और जवाब भी पूरा नहीं, और ये जवाब 2 साल के लंबे अरसे के बाद मिला है। आगरा वासियों के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे समाज सेवी और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य डीके जोशी ने आगरा जल निगम आगरा के परियोजना प्रबंधक यमुना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 21 नवंबर 2012 को सूचना अधिकार के जरिए ये सूचना मांगी थी कि आगरा में 1 जनवरी 2000 से जिस तारीख को सूचना मांगी गई थी, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कितने रुपए के बजट, कितने स्रोतों को हासिल किए गए हैं और इस साल 12 सालों में स्वेज ट्रीटमेंट में कितना खर्च किया है, ऐसे 6 प्रश्नों के जवाब विभाग से मांगे थे, जिसमें जवाब में जल निगम आगरा के परियोजना प्रबंधक यमुना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने करीब 40 से 50 हजार पत्रों में इसके जवाब दिए जो कि 11 बंडलों में समेट कर डीके जोशी को मिले हैं और वो भी 2 साल के अंदर, जिससे डीके जोशी संतुष्ट नहीं है। जोशी का मानना है कि इन सवालों के जवाब सही तरीके से दिए जाते तो आगरा जल निगम विभाग के कई घोटाले सामने आते। उन्होंने कुछ सूचनाएं दी हैं लेकिन जैसे विभाग की आदत होती है आधी अधूरी और छिपाने की और देने की, 2011-12 में जब इन्होंने सूचना दी थी मैंने फर्स्ट अपील दाखिल की, उस पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने राज्य सूचना आयोग में, तो लगातार 2 साल लड़ाई लड़ने के बाद, हमारे वकील हैं वहाँ मिस्टर पटवा साहब, 2 साल लड़ाई लड़ने के बाद विभाग ने जब उन पर शिकंजा कसा आयोग ने, तब उस पर उन्होंने मुझे ये कुछ सूचनाएं उपलब्ध कराई और खासकर एक बिंदु पर जो कराई है उनकी रीडिंग जो है कि पंपिंग स्टेशन की और एसटीपी की और उसकी सूचनाएं लगभग 40 से 50 हजार पेजेस में दी है, लेकिन किस किस गवर्नमेंट एजेंसी ने आपको फंडिंग किया, कितना फंडिंग किया, किस महीने में कितना फंडिंग किया, आपने कहाँ खर्च किया, किस साइज की आपने सीवर लाइनें डाली हैं, कितना उसका पब्लिक का फायदा हुआ, तो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिव चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से। शिव, 2 साल पहले सूचना मांगी गई थी और 2 साल बाद जवाब मिला तो वो भी 50 से 40 हजार पन्नों में। बिल्कुल प्राची, बताना चाहूंगा आरटीआई एक्टिविस्ट ने डीके जोशी, इन्होंने 21 नवंबर 2012 को एक जानकारी मांगी थी यमुना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से और उसका जवाब तत्काल नहीं आया। 2 साल बाद अगर जवाब आया है आरटीआई, तो एक सवाल का जवाब 40 हजार पन्नों में पहुंचाया, इसे देखकर उनको बड़ा मजाक सा लगा है कि जो जवाब मांगा था उसका भी पूरा जवाब नहीं मिला, वो भी 40 हजार पन्नों का। तो कहीं ना कहीं विभाग की पूरी तरह से लापरवाही सामने आई है। जी प्राची, जी बिल्कुल शिव, लापरवाही तो सामने आई है लेकिन साफ तौर पर यह भी समझा जा सकता है कि सूचना नहीं दी गई तो कहीं ना कहीं डर है कि जो उनके घोटाले हैं, उनका जो भ्रष्टाचार है वो कहीं सामने ना जाए। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने आरटीआई के तहत जवाब मांगा था और घोटाले की और उसका पूरा लेखा जोखा मांगा गया था, कितना खर्च हुआ है, कितना बिल है, उसके हिसाब से प्रशासन से मांगा, तो कहीं ना कहीं उनको भ्रष्टाचार। शिव, डर यहाँ पर जरूर है और इसीलिए 50 से 40 हजार पन्नों का दिया गया है, पूरी इसमें जानकारी नहीं दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के।